हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर तोड़फोड़ व युवक के साथ की मारपीट। तख्तगढ़ थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर स्थित एक दुकान में दिन दहाड़े नाथ समुदाय के लोगों द्वारा दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने को लेकर प्रार्थी रणछोड़ कुमार देवासी व देवासी समाज के लोगों ने थाना में एकत्रित होकर करीब 7 नामजद व 15-20 अन्य नाथ समुदाय के लोगों पर दिन दहाड़े दुकान में घुसकर मारपीट करने, झूठे मुकदमे में फंसाने सहित जान से मारने की धमकी को लेकर थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया। थाना अधिकारी निर्मल कुमार ने बताया कि नाथ समुदाय के कुछ लोगों द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट की, जिसका मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि सुमेरपुर नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायत उपखंड अधिकारी को करने के बाद नाथ समुदाय के लोगों ने दुकान पर आकर मारपीट की है। वहीं पुलिस ने बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, जिसको लेकर मामले की जांच में जुटे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए निर्मल कुमार थाना अधिकारी, इन्होंने ये कहा। रणछोड़ राम देवासी है जो जिसकी होटल बस स्टैंड में है जी। उसने ये रिपोर्ट दी कि आज करीब दोपहर को कुछ जो भी कास्ट के लोग आए और हमारे यहाँ मारपीट की और दुकान में आकर तोड़फोड़ की, जिसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। आगे कार्रवाई जारी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रणछोड़ कुमार देवासी, इन्होंने ये कहा। संख्या 11 में पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से हमारे वार्डो में अवैध निर्माण कार्य ऐसे हो रहे जो कृषि भूमि क्षेत्र में, नगर पालिका द्वारा मुझे कहा गया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए मैंने उपखंड अधिकारी को लिखित रूप में उनके मेल आईडी पे मैंने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करवाने के बाद में काल बेलिया और नाथ समाज के लोगों द्वारा सुबह वो डाक बंगला में सुभाष मेवाड़ा और पेमाराम माली ने बैठक की। बैठक में उनको बताने वहाँ क्या उनकी बात हुई। उनके बाद में नाथ समुदाय के सारे युवा और महिलाएं मेरी दुकान पर आए और उन्होंने मेरे साथ में हाथापाई की, मारकूट की। उसके अलावा मेरे दुकान के सारे काउंटर वगैरह तोड़े, टेबलें तोड़ी। उसके अलावा और भी कहा कि मैं एसटीएससी केस में फंसा के तुझे ऐसे ही करूँगा कि तू जिंदगी भर धंधा करने लायक नहीं रहेगा। और सुभाष मेवाड़ा ने मेरे खिलाफ में ये रिपोर्ट भी पेश यहाँ करवाई है और आगे भी मुझे कहा है कि जान से मारेंगे हम तो तुझे को। अभी हमारी का और भी शिकायतें करनी है। अब रिपोर्ट दी थाने में, रिपोर्ट थाने में दी है लेकिन अभी तक वो काम हो रहा है, अभी पता नहीं कितने टाइम से होगा। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से खास रिपोर्ट।